आसन प्राणायाम ध्यान मुद्राएं, उसमें से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, 2-3 बंध, मूल बंध, उड्यान बंध, जालंधर बंध, कुछ छोटी छोटी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं। ये ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, प्रथम मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, जैसी आवश्यकता वैसी मुद्रा में हाथ रखना, ऐसे नहीं बैठ जाना। अब कुछ ऐसे ही बैठ जाते, देखो ऐसे ही बैठे, अरे भाई ऐसे क्यों बैठा हुआ, एक मुद्रा में हाथ रख ले। और यदि बहुत बड़ा रोग है तो कपाल भाती करता करता थायराइड का पॉइंट दबा ले, लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर का पॉइंट दबा ले, स्प्लीन की प्रॉब्लम है तो स्प्लीन का पॉइंट दबा ले, हार्ट की प्रॉब्लम है हार्ट का पॉइंट दबा ले, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है पेनक्रियाज का पॉइंट दबा ले, किडनी की प्रॉब्लम है किडनी का पॉइंट दबा ले, कान की प्रॉब्लम है कान का पॉइंट दबा ले, आंख की प्रॉब्लम है ये आंख का पॉइंट दबा ले, स्ट्रेस है साइनस है एंजाइटी है तो अंगूठे से लेकर के सभी उंगलियों के टॉप पर दबा ले, ऐसे ही बैठे बैठे। ज्यादा ही शरीर में दर्द है, पूरा शरीर जकड़ा हुआ है ऊपर से नीचे तक, सारे शरीर में दर्द ही दर्द भरे पड़े हैं, तो ये 7 के 7 चैनल दबा ले कपाल भाति करता ही करता है। और सूक्ष्म व्यायाम, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए तो 1000-2000 बार ऐसे ही बसरिका के साथ कर ले, 7 पैर सीधे हो जाएंगे। कल मैंने बताया तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन, अलग अलग जो पोषक तत्वों की कमी है उसकी पूर्ति के लिए न्यूट्रिला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर्स जो सबसे बड़ी चीज है। ये सारे प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक सब आपको तत्व इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि केमिकल एनिमल बेस्ड जो भी प्रकृति के विरुद्ध है वो सब आप खा खा करके एक संघर्ष में अपने जीवन को डालते रहते हो और अपने आप को उभार नहीं पाते। किसी को दर्दे हैं तो एक एक मर्ज के लिए, एक एक दर्द के लिए मैं 10-10, 20-20 उपाय बताता हूं। मैंने कहा 100 प्रकार के तो योग की प्रक्रियाएं हैं, 100 प्रकार की बस्ती है यहां पर, 10-15 प्रकार की मसाज है, 10-15 प्रकार की स्टीम है, करीब आपको 50 तरह के यहां पर काढ़े देते हैं अलग अलग तरह के, मेधा क्वाथ से लेकर सर्वकल्प कायाकल्प और वृक्कदोषर क्वाथ, अर्जुन का क्वाथ, फिर अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, चूर्ण, पाक, अवलेह, करीब 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 1000 प्रकार की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, आसव, अरिष्ट, रस, रसायन, भस्म, चूर्ण, पाक, अलग अलग प्रकार की ट्रेडिशनल मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो ये सारी चीजें अलग अलग प्रकार का योग, 10-12 प्रकार की तो यज्ञ की सामग्री है, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि, अलग अलग प्रकार की सामग्रियां, फिर उसमें गुग्गल कोमन है, सुगंध के लिए दिव्येष्टि कोमन है जो ये दाएं तरफ रखा हुआ है, दिव्येष्टि और गुग्गल भी देते हैं। तो कुछ लोग तो इसी में ही विचलित हो जाते हैं, गांव की भाषा में बोले तो विचल जाते हैं कि करें क्या, यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा, इतने प्रकार का हवन है, 11 है तो यज्ञशालाएं बनाई हुई हैं आपके लिए कि अलग अलग रोग के अनुसार अपने अपनी यज्ञशाला में वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि, प्राणेष्टि, प्रारब्धेष्टि, चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि, कैंसर वालों के लिए, निसंतानों के लिए संततिष्टि, तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ, अपनी अपना यज्ञ
तय कर लो कि मुझे ये यज्ञ करना है, यज्ञ में ये सामग्री डालनी है, अग्निहोत्र में, हवन में, इष्टि में, और इससे आपका इष्ट पूरा होगा। तो ये मैं कह रहा था जोड़ों में दर्द है, तो इस साथ के साथ चैनल ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ये पूरे ये करते करते आप एक्यूप्रेशर की, अब इनफर्टिलिटी, तो यहां से दबाते दबाते कर लो इसको। मैं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड पैथी, समग्र, स्थाई, संपूर्ण, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, कंप्लीट हेल्थ का पैकेज कहता हूं। अब बताओ, और केवल शारीरिक व्याधियों को मिटाने के लिए ही नहीं, देखो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं ना, रिटायरमेंट के बाद में योग करो, यज्ञ करो, चाहे 10 ग्राम घी से ही करो, योग करो, यज्ञ करो, 1-2 चम्मच घी खाओ, 1-2 चम्मच हवन में डालो, ये 2 चम्मच हवन का या हजारों लाखों चम्मच के बराबर होता है, वो सूक्ष्म होकर के मूलतः सिद्धांत है, अनंत हो जाता है, अनंत, असीम, अपरिमित हमें लाभ देता है। ये जीवन का जो सत्य है ना, वो अनंत है, अनंत, अनादि और अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, जिनको बवासीर है यहां से पॉइंट दबाते दबाते ही कर ले। अब पायस फिशर फिस्टुला मैंने बिना ऑपरेशन के ठीक किया लाखों लोगों का, ऑपरेशन कराने के बाद भी लोगों का दोबारा से पायस फिशर फिस्टुला आ जाता है, भगंदर फिर बढ़ जाता है, ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा शरीर में गांठें आ जाती हैं, ऑपरेशन कराने के बाद हार्ट में दोबारा से ब्लॉकेज आ जाते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट कराए, किडनी ट्रांसप्लांट कराए, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट कराया था वही बेकार हो जाता है, लंग ट्रांसप्लांट में जो लंग डाला था वही बेकार हो जाता है, इसलिए ये सब टेम्परेरी अरेंजमेंट है। योग शाश्वत सत्य है तुम्हारा, अपना अपना, जिनकी नाभि डिगी हुई है ये अंदर की तरफ, यहाँ तो ऊपर कमर का पॉइंट है, इसके अंदर की तरफ ये नाभि का पॉइंट है, इधर ये सिरदर्द का पॉइंट है, अंगूठे के मूल में सिरदर्द का और अंगुली के मूल में नाभि का पॉइंट है, जिनकी नाभि धरण डिग जाती है, ऐसे दबाओ अपने आप गैस में निकलेगी, भूख भी अच्छी लगेगी, जिनका फिजिकल मेंटल इम्बैलेंस रहता है। अब एक ये भी बड़ा सिद्धांत है कि नाभि डिगने से ही बीपी, शुगर, थायराइड, ओबिसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की, पार्किंसंस, पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, नाभि डिगने से ही एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, नींद ठीक से नहीं आती, नाभि डिगने से ही मन अशांत बेचैन रहता है, नाभि डिगने से ही गैस कब्ज एसिडिटी रहती है, नाभि डिगने से ही लो इम्यूनिटी का व्यक्ति शिकार हो जाता है, बीमार हो जाता है, बताओ ऐसे। अब यहाँ से दबा लिया ऐसे, योग कपालभाति करते करते, तो मैं कह रहा था योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्राएं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर एक साथ हो रहा है, यज्ञ भी एक साथ हो रहा है, योग के साथ हम यज्ञ भी कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की सामग्री डाल रहे हैं, या अलग अलग प्रकार की सामग्री ऐसे डालो, और अलग अलग प्रकार की सामग्री और गाय का घी, और फिर जब ये यज्ञ आपका पूरा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा गूगल, दिव्येष्टि, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी थोड़ी सामग्री, दिव्येष्टि, और इसके ऊपर बहुत काम किया हमने, ये गूगल ये सब डाल करके, और इसका सुगंध लिया करो। अब इसके ऊपर हमने इतना रिसर्च किया है, खाली वात रोगों में ही नहीं, गूगल वात रोगों में तो काम आता ही है, चलो कर लो, जिनको अब पेट बहुत खराब है तो ऐसी पिंडली भी दबा ली, ऐसे ही बैठी बैठी, पैरों का भी एक्यूप्रेशर कर लिया, जिनके पैर थोड़े फ्लेक्सिबल हैं तो ऐसे बैठ करके कर लो पद्मासन में, सारे पॉइंट दबा लो, जो हाथों में पॉइंट है वही सेम पैरों में पॉइंट है, कुछ भी पता नहीं लगता तो सारा ही दबा लो, जहाँ दुखे वहां ज्यादा दबाओ, जहाँ दुखे वही पॉइंट है। अब ये बातें छोटी छोटी हैं।
ਹੈ।